आज हमारा पहला जो वर्कआउट है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसके मूवमेंट को मैं डिफाइन करूंगा, ओके, उसका इम्पैक्ट एरिया क्या होता है उसको मैं डिफाइन करूंगा, और उससे क्या क्या मसल बिल्डअप हो सकते हैं वो भी मैं डिफाइन करूंगा। उसका नाम है बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस में अपर और मिड उस पर वर्क होता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पे जाते हैं, जैसे कि इनक्लाइन अपर के लिए, डिक्लाइन लोअर के लिए, फिर फ्लाइज आती है। इस एक्सरसाइज को ढंग से देखना, ढंग से परफॉर्म करना, बिकॉज ऑफ लाइक ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। सो गाइज बी केयरफुल जब भी आप ये वर्कआउट करें। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बेंच प्रेस की बारबेल। जो बारबेल होती है ओलंपिक बारबेल्स में हमेशा यूज़ की जाती है। वेट्स, अच्छा वेट यूज़ करिए। स्टार्टिंग वेट जो होता है हमारा उसको बोलते हैं वार्म अप वेट, बट आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है थोड़ा सा हैवी वेट, सो दैट आपको मसल्स की क्लैरिटी शो हो जाए। उठाने का इसका जो मोशन होता है वो होता है, प्लीज़ इसको करिए, आपको जो लॉक होता है इसको लॉक रखना पड़ता है, आपको जो अपने थंब होते हैं इसको पूरा लॉक करके इसको लिफ्ट करना होता है। उठाते वक्त ब्रीथ इन, देन डाउन करते वक्त ब्रीथ आउट, लिफ्ट करिए, अप स्लोली, अप स्लोली डाउन, देन अप स्लोली डाउन, देन अप रिलैक्स। जैसा कि आपने देखा बेंच प्रेस करते वक्त हमेशा आपको लॉक सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उस पे सेट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ लाइक जब भी हम 90 डिग्री एंगल तोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा लॉक सिस्टम वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, उसमें जो मसल होती है वो डैमेज होती है और उनको आप फिर ढंग से इम्प्रूव नहीं कर पाते, वो मसल्स बिल्डअप हो ही नहीं पाती है और वो टाइम ले जाती है और आपकी बॉडी डाउन हो जाती है। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली आपकी ट्राइसेप्स, आपके फोर आर्म्स, आपके डेल्ट्स, कॉलर बोन और साइड चेस्ट और ओवरऑल चेस्ट के लिए है। एक बार मैं आपको और डेमो दिखाता हूँ, ढंग से देखिएगा, इसका जो प्रोसीजर है जो इसका मोशन है उसको ढंग से समझिएगा, ओके, लिफ्ट स्लोली डाउन, डाउन स्लोली, देन स्लोली अप, डाउन अगेन, डाउन देन अप। अब जैसा कि आप देख रहे हैं डाउन कर रहे हैं, डाउन इनकी ट्राइसेप्स की जो मसल है पूरी अप, पूरी मसल फ्लेक्स हो रही है, रिलैक्स, और प्लस फोर आर्म्स, इनके डेल्ट्स, कॉलर और पूरा ओवरऑल चेस्ट पे इम्पैक्ट है। सो गाइज इसको कहते हैं बेंच प्रेस। प्लीज़ इसमें लॉक सिस्टम का दोबारा ध्यान रखिए, मैं दोबारा से आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं लॉक सिस्टम रखते नहीं है, फिर ये स्लिप हो जाती है क्योंकि हमारी ग्रिप बन ही नहीं पाती है। सो लॉक सिस्टम का ध्यान रखिए, लॉक करिए देन उसको आप आराम से लिफ्ट करिए। एक और चीज़, जब भी हम इसको लिफ्ट करते हैं लोग नॉर्मली बेंड कर देते हैं इसको, उसको बेंड मत करो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो, ये लॉक है तो आप आराम से उसको लिफ्ट कर सकते हो, प्लस आपके जो जॉइंट की इंजरी होती है उसको आप अवॉइड कर सकते हो और वो नहीं हो सकता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।